Hey guys, welcome back to another video. तो guys, आज की इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं जो काफी कूल एंड काफी रियलिस्टिक लुक दे रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं बैकग्राउंड एंड पीएनजी का लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप लोगों को यार वीडियो पसंद आए तो यार छोटा सा लाइक जरूर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, मैं आ गया हूँ पिक्सार्ट में, जो है इस पिक्चर को मैंने ओपन कर दिया है पिक्सार्ट में। तो सबसे पहले जो है गाइज़, हम जो है यहाँ से जो है चलते हैं इफ़ेक्ट पर। तो इफ़ेक्ट पर जाने के बाद जो है गाइज़, यहाँ से हम जो है थोड़ा सा ब्लर को जो है सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इसका जो ब्लर की जो ओपेसिटी है, तो यहाँ से हम इसको जो है 6 या 5 आप लोग रख सकते हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने ब्रश पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से आप लोगों ने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस, सबसे पहले हम जो है अपने फेस पर जो है थोड़ा सा इसको जो है ब्लर कर लेते हैं, ताकि इसमें जो पिम्पल वगैरह आ रहे हैं तो इसको जो है थोड़ा हाइड कर ले हम एंड स्किन जो है स्मूथ नज़र आए। तो यहाँ से जो है आप लोगों ने कुछ इस टाइप के कर लेने हैं। एंड गाइस, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ये वर्क कर रहा है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से जो है स्किन को जो है स्मूथ कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने सबसे पहले जो है अपने स्किन को कर लेना है स्मूथ एंड उसके बाद जो है यहाँ से आप लोगों ने ओके कर लेना है। एंड यहाँ से जो इसका मतलब जो है ओपेसिटी है वो 6 या 5 पर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद जो है यहाँ से आप लोगों ने डन कर लेना है। तो डन करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने जो है फिर से टूल्स में आना है एंड उसके बाद जो है यहाँ से आप लोगों ने इस वाले जो ऑप्शन को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से इसको जो है थोड़ा आप लोगों ने ब्राइटनेस दे देना है। एंड उसके बाद जो है यहाँ से आप लोगों ने ब्रश पर क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों ने आना है एंड यहाँ से आप लोगों ने जो है फेस को कर लेना है थोड़ा सा ब्रश, ताकि जो है ये स्मूथ होने के साथ साथ जो है वाइट भी हो जाए तो अच्छा नज़र आएगा। तो यहाँ से जो है मैं जल्दी कर लेता हूँ, आप लोग जो है आप लोगों की वीडियो जो है थोड़ी लंबी ना हो जाए, तो यहाँ से मैं जल्दी इसको कर लेता हूँ। तो गाइज, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ब्रश जो है बिल्कुल हो गया है ठीक तरीके से। तो आप लोगों ने ओके कर लेना है एंड यहाँ से जो है आप लोग देख सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग जो है इतना रखें ताकि जो है ज़्यादा जो है मतलब फेक भी नज़र ना आए। तो यहाँ से आप लोगों ने इस तरह कर लेना है एंड उसके बाद जो है आप लोगों ने ओके कर लेना है। तो ओके करने के बाद गाइज, आप लोगों ने जो है आना है यहाँ से इफ़ेक्ट पर दोबारा एंड उसके बाद जो है यहाँ से आप लोगों ने आना है कलर वाले ऑप्शन में। तो कलर में आने के बाद यहाँ से गाइज, आप लोगों ने जो है सेचुरेशन को जो है थोड़ा बढ़ा लेना है। यहाँ से आप लोगों ने ज़्यादा भी नहीं कर लेना है एंड यहाँ से जो है आप लोगों ने थोड़ा बढ़ा लेना है, 50 जो है रख लेना है, ताकि जो ऊपर जो स्काई का कलर है वो थोड़ा जो है कलरफुल नज़र आए। तो यहाँ से आप लोगों ने ओके कर लेना है एंड उसके बाद गाइज, आप लोगों ने फिर से जो है इफ़ेक्ट पर आना है दोबारा। तो यहाँ से इफेक्ट पर हम आते हैं, तो यहाँ से आप लोगों ने फिर से कलर में आना है एंड उसके बाद जो है यहाँ से कलराइज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों ने इस वाले ऑप्शन में आना है। तो यहाँ से आप लोग जो है कोई भी कलर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम जो है अपने कपड़े का रंग जो है चेंज करने वाले हैं, तो जैसे कि मैं ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड उसके बाद आप लोगों ने ब्रश कर लेना है। ब्रश पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन में आना है एंड गाइज, उसके बाद जो है यहाँ से आप लोगों ने जूम कर लेना है एंड उसके बाद जो है अपने यहाँ से जो है आप लोगों ने ब्रश का जो साइज़ है वो आप लोग जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज, यहाँ से आप लोगों ने जो है जहाँ तक जो है आपका कपड़ा है वहाँ पर आप लोगों ने जो है ठीक तरह से रंग देना है, ताकि जो है फेक नज़र ना आए, अगर बिल्कुल जो है रियलिस्टिक लुक जो है पेश करे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने अच्छे अच्छे तरीके से जो है कर लेना है, ताकि आप लोगों के जो कपड़े का रंग है बिल्कुल जो है ठीक तरह से चेंज हो पाए। तो यहाँ से मैं जल्दी कर लेता हूँ, ताकि वीडियो जो है लंबी ना हो जाए। तो आप लोगों ने जो है वेट कर लेना है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने जो है भी इस तरीके से कर लेना है। तो मैं जल्दी कर लेता हूं, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो गाइज़, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो है हमने कलर कर दिया है अपने कपड़े को, बिल्कुल जो है आप लोगों ने इसी तरह जो है कर लेना है। जहाँ तक भी आप लोगों का कपड़ा हो वहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है, उससे जो है आप लोगों ने ज़्यादा भी नहीं कर लेना है, उससे जो है आप लोगों ने कम नहीं कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो है आप लोगों को अपना पिक्चर जो है कलर करने के बाद जो है बहुत ही जो है रियलिस्टिक लुक देगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो ओके कर लेना है आप लोगों ने। ओके करने के बाद जो है यहाँ से आप लोग जो है कोई भी अपने मर्जी का कलर जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप लोगों की जो है मतलब फेवरेट हो वहाँ से आप लोग ये वाला जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद आप लोग जो है थोड़ा अगर आप लोगों को तेज़ लग रहा है तो यहाँ से आप लोग फेड भी बढ़ा सकते हैं।
तो यहाँ से जो है मैं फेड को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, 6-7 तक कर लेता हूँ तो ठीक रहेगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अभी जो है ज़्यादा जो है मतलब तेज़ नहीं नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ से ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद गाइज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो अभी जो है यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर जो है एक एरोप्लेन लगा लेना है इसके ऊपर। तो यहाँ से इसकी PNG की लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों ने कुछ इस तरह का जो है लगा लेना है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसको जो है मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ से जो है आप लोगों ने इस तरह का रख लेना है। तो गाइज़ यहाँ से आप लोगों ने जो है इसको यहाँ से जो है ओके कर लेना है, एंड ओके करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने इफ़ेक्ट पर आना है दोबारा, एंड उसके बाद जो है यहाँ से आप लोगों ने ब्लर में आना है, एंड यहाँ से जो है आप लोगों ने इस वाले सैंपल से ब्लर पर आप लोगों ने जो है क्लिक कर लेना है, एंड इसका जो ब्लर है आप लोगों ने 6 या 7 तक जो है आप लोगों ने रख लेना है। तो यहाँ से जो है आप लोगों ने उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने ब्रश कर लेना है, एंड उसके बाद जो है ये वाला इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, एंड उसके बाद जो है यहाँ से जहाँ तक जो है आप लोगों को मतलब यहाँ पर आप लोगों ने एरोप्लेन पर जो है थोड़ा सा ब्लर कर लेना है, ताकि ऐसा मतलब रियलिस्टिक लुक लगे, ऐसा लगे जो कि कैप्चर करके जो है मतलब शूट के टाइम यहाँ से जो है एयरप्लेन गुजर रहा है। तो इस तरह आप लोगों ने जो है कर लेना है, एंड उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने ओके कर लेना है, एंड ओके करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने फिर से ओके कर लेना है, एंड ओके करने के बाद गाइज़ यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ब्लर हो गया है। तो गाइज़ अभी आप लोगों ने जो है यहाँ से एक और PNG को ऐड कर लेना है, तो यहाँ से हम इसको ऐड कर लेते हैं, एक स्पैरो की PNG है। तो यहाँ से हम इसको जो है लगाएंगे, एंड यहाँ पर इसको हम जो है बिठाएंगे यहाँ पर कुछ इस टाइप की। आप लोगों ने जो है इस तरह बिठा लेना है ताकि जो है बिल्कुल रियल लगे। तो यहाँ से आप लोगों ने इसको जो है बिठा लेना है, एंड उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने इसको भी जो है ओके कर लेना है, एंड ओके करने के बाद गाइज़ यहाँ से आप लोगों ने अभी इसका जो स्पैरो का जो शेडो है वो आप लोगों ने क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ से जो है इसकी जो है शेडो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप लोगों ने जो है इसकी जो शेडो है नीचे वो आप लोगों ने क्रिएट कर लेना है। ब्रश पर आप लोगों ने आना है, एंड इसका जो हार्डनेस है वो आप लोगों ने बिल्कुल 1 कर लेना है, एंड उसके बाद इसकी जो ओपेसिटी है तो यहाँ से आप लोगों ने 40 या 41 यहाँ जो है यहाँ तक रख लेना है, एंड उसके बाद इसका जो साइज़ है तो यहाँ से आप लोग जो है 21 या 27 यहाँ तक इस तक जो है रख सकते हैं, या 25 तक आप लोग जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने सेट कर लेना है, एंड सेट करने के बाद यहाँ से जो है आप लोगों ने कुछ इस टाइप के जो है इसके पंजों के नीचे जो है इस तरह निशान बना लेने हैं, ताकि ऐसा लुक दे, ताकि मतलब जो है ऐसा फील हो कि इसका जो शेडो है ये इसके ऊपर बैठ गई है। तो यहाँ से आप लोगों ने इसकी जो ओपेसिटी है यहाँ से आप लोगों ने कम कर लेना है। तो कम करने के बाद आप लोग गाइस देख सकते हैं बिल्कुल जो है रियलिस्टिक लुक दे रहा है। तो उसके बाद आप लोगों ने जो है इसको कर लेना है डन। डन करने के बाद गाइज़ यहाँ से जो है आप लोगों ने एक और PNG को जो है ऐड कर लेना है। तो एडा फोटो पर हम चलते हैं, यहाँ से ये जो बर्ड्स वाली PNG है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर जो है छोटा करके यहाँ पर जो है इस कॉर्नर में लेके आएंगे, एंड यहाँ से आप लोगों ने लगाना है। तो उसके बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद गाइज़ यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, एंड उसके बाद जो है यहाँ से हम अभी लाइट रूम में जाएंगे, एंड वहाँ पर जो है इसको जो है मैच करेंगे बैकग्राउंड के साथ, एंड इसको जो है थोड़ा रियलिस्टिक लुक देंगे। तो यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं, एंड उसके बाद जो है हम लाइट रूम पर चलते हैं, लाइट रूम में इसके जो है कलर कोरेक्शन करेंगे अभी। तो गाइज़ अभी जो है हम लाइट रूम में आ गए हैं, तो यहाँ से हम ऐड अ फोटो पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से वो वाला फ़ोटो हम ऐड करेंगे जो अभी हमने पिक्सार्ट से जो है सेव किया। तो यहाँ से ये जो है ऐड हो गया है। तो उसके बाद जो है यहाँ से अभी हम इसको जो है इस पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर लाइट रूम में लेके आएंगे। तो ले आने के बाद गाइज़ यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो अभी जो है हम यहाँ से इसको सबसे पहले जो है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, एंड यहाँ से इसका जो कंट्रास्ट है थोड़ा बढ़ा लेंगे, एंड उसके बाद जो है यहाँ से जो है हाईलाइट जो है थोड़े जो है यहाँ से थोड़ा जो है हम माइनस पर लेकर आएंगे, एंड उसके बाद जो है शेडो को भी जो है थोड़ा जो है यहाँ से माइनस कर देंगे, एंड उसके बाद जो है ब्लैक को थोड़ा बढ़ा लेंगे, एंड उसके बाद जो है वाइट को भी थोड़ा बढ़ा लेंगे। उसके बाद इस टेम्परेचर वाले ऑप्शन पर हम आते हैं, एंड उसके बाद जो है इसका जो टेम्परेचर है थोड़ा हम यहाँ से जो है माइनस कर देंगे। तो यहाँ से थोड़ा आप लोगों ने करना है, 3 या 4 आप लोगों ने कर लेना है, एंड उसके बाद जो टेंट वाला ऑप्शन है तो यहाँ से हमने जो है इसको थोड़ा भी माइनस रख लेना है, 4 या 3 तक आप लोगों ने कर लेना है, एंड उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने मैक्स पर क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहले ये जो स्किन वाला कलर है तो इसका जो सेचुरेशन है हम ऑफ कर लेते हैं, थोड़ा मतलब माइनस कर लेते हैं, एंड लुमिनस को जो है बढ़ा लेते हैं,
तो ये आप लोग देख सकते हैं वाइट भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल जो है रियलिस्टिक भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ से इसके बाद जो है हम अभी इसके बाद जो है स्काई वाला जो कलर है तो इस पर हम जाएंगे एंड उसके बाद जो है इसको थोड़ा हम जो है माइनस कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं स्काई का जो कलर है ऊपर वो चेंज हो रहा है। तो उसके बाद जो है हम इसको इसका जो ल्यूमिनेंस है वो थोड़ा बढ़ा लेंगे एंड उसके बाद जो है सेचुरेशन को भी थोड़ा बढ़ा लेंगे। एंड उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अभी जो है स्काई का कलर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है चेंज हो गया है एंड बिल्कुल रियल जो है नज़र आ रहा है। तो उसके बाद गाइस यहाँ से हम जो है इसको डन कर लेते हैं एंड डन करने के बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन में आएंगे एंड यहाँ से इसकी जो क्लैरिटी है थोड़ी बहुत जो है यहाँ पर 8 या 9 तक आप लोग ने बढ़ाना है एंड उसके बाद जो है विग्नेट को यहाँ पर आप लोगों ने माइनस तक ले आना है, यहाँ पर जो है तकरीबन 31 तक आप लोगों ने कर लेना है एंड उसके बाद जो है यहाँ से आप लोगों ने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद शार्पिंग को थोड़ा आप लोगों ने बढ़ा लेना है। तो गाइज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल जो है अभी रियलिस्टिक लुक दे रहा है, बिफ़ोर एंड आफ्टर आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, काफ़ी जो है अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। तो अभी जो है ये लाइट रूम में हम जो है इसको एडिट कर चुके हैं तो अभी इसको जो है यहाँ पर हम सेव करेंगे एंड इसके बाद जो है आप लोगों का पिक्चर हो गया रेडी। तो अभी आप लोग जो है इसको शेयर कर सकते हैं एंड आप लोगों का पिक्चर हो गया रेडी। तो अगर आप लोगों को यार वीडियो पसंद आ गई हो छोटा सा लाइक ज़रूर दें एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।